एक मरतबा फिर से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चेयर नहीं अवेलेबल। कौन आप? वो पूरी लाइन लगवाए हैं। तो जी कल हमने इन्वेंटरी के आ रही है कल हमने इन्वेंटरी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कुछ सवाल आपका इन्वेंटरी के मुतालिक? आपका कुछ सवाल? इन्वेंटरी क्या होती है आप बता सकते हो? सवाल भी कोई नहीं है, बता भी नहीं सकते। आइटम्स हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और आइटम हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। कहाँ से आवाज आ रही? हाँ जी, सर्विसेज ऑफ? नहीं, उसको हमने कहा था कि वो इसके स्कोप में नहीं है। हाँ, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोसेस, कंज्यूमेबल, सप्लाईज, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट? स्पेयर पार्ट से मुराद क्या है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहां पे एक मशीनरी का जाल बिछा हुआ होता है। आप में से किसी को इत्तेफाक हुआ है किसी भी फैक्ट्री को विजिट करने का कभी, या बाहर से ही देखी हो? बाहर से देखी हो तो उसका स्ट्रक्चर नजर आता है कि अंदर उनकी बड़ी बड़ी मशीनें नजर आ रही होती हैं। ये जो मशीनें हैं जाहिर है कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे पुर्जे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्होंने अपनी एक जिंदगी गुजार के बदलना है। आपके घर में कोई सिलाई मशीन भी होगी? आपको कभी उसमें भी कोई चीज जरूरत पड़ जाती होगी कि यार इसका ये बदलवा दो, है ना, या रिपेयर करवा दो? तो ऐसी ही फैक्ट्री में जो इतना बड़ा सारा जाल बिछा हुआ है इन मशीनों को भी ठीक करने की जरूरत पड़ती है, तो इनके लिए स्पेयर पार्ट्स रखे जाते हैं। ये स्पेयर पार्ट्स इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि कंपनी का ऑपरेशन ना रुक जाए। आप सोचिए, कंपनी अगर फर्ज कर लीजिए कि 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो हो सकता है उस कंपनी को कोई 20-30 लाख रुपए का नुकसान होता हो। अब अगर किसी स्पेयर पार्ट्स की गैर मौजूदगी की वजह से तो 2-4 घंटे के लिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाए तो वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या करेगी? वो स्पेयर पार्ट्स का तो जैसे ही कोई खराबी आए उसके पास अपने मैकेनिक, अपने इलेक्ट्रिशियन, अपने लोग मौजूद हैं, अपने इंजीनियर मौजूद हैं। जैसे ही कोई खराबी आएगी वो बंदा फौरन से उसको पार्ट को रिप्लेस करेगा और मशीनरी चालू कर देगा। तो वो बजाय इसके 5 घंटे मशीन बंद रहे, आधे घंटे में फैक्ट्री दोबारा से, या वो हिस्सा मशीन का जो बंद हुआ है वो दोबारा से चल पड़ेगा। ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये भी इन्वेंटरी क्लासिफाई हो सकते हैं, बशर्ते कि इनकी लाइफ लेस देन अ ईयर की हो। सो ऐसे पार्ट्स जो रूटीन में बदलते रहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई बेल्ट है जो मशीन में इस्तेमाल होती है और वो हर 3-1 महीने बाद बदलनी ही पड़ती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो बदलनी ही पड़ती है हर 3 महीने बाद। तो आपने अपने पास कोई 200, 300, 50, 100 बेल्ट्स रखी हुई हैं। जाहिर है एक मशीन में एक बेल्ट नहीं होगी, कई बेल्ट्स होंगी और फिर कई मशीनें होंगी। तो आपने अपना एक हिसाब रखा हुआ है कि मुझे इस साइज की बेल्ट इतनी रखनी है, इसकी इतनी रखनी है, इसकी इतनी रखनी है, इतने फलां चीज रखनी है, फलां चीज रखनी है, इतने कैपेसिटर रखने हैं, इतने कोई फ्यूज रखने हैं, इतने आई मीन कुछ चीजें आपने अपने पास रखी नहीं होंगी।
आपके पास एक बड़ा सारा स्टोर होगा जिसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी। जाहिर है हर स्पेयर पार्ट आप नहीं रख सकते, लेकिन वो स्पेयर पार्ट जो आप समझते हैं कि जिनकी रूटीन में जरूरत पड़ती रहती है, वो आप देखें ना, आपके अपने घर में भी प्लास होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी रूटीन में जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन वो टायर खोलने वाला जिसके ऊपर खुद चढ़ के बंदा टायर खोल रहा होता है, वो नहीं होगा आपके घर में, क्योंकि आपको उसकी रूटीन में जरूरत नहीं पड़ती है। वो खराबी होगी तो फिर आप मैकेनिक के पास जाएंगे, आप कहेंगे ठीक है भैया, आप मैकेनिक के पास चलते हैं। छोटे मोटे मसले होंगे तो आप क्या करेंगे, आपने घर में 2-4 हजार रखे हुए हैं, ऐसे ही फैक्ट्री में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें जो स्टोर में वही 1,000 कुछ पुर्जे कुछ चीजें रखी हुई होती हैं कि भाई ये तो रूटीन में हर दूसरे महीने इसकी जरूरत पड़ती रहती है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी वो कहेंगे भाई ये फिर हो गया, तो फिर जब होगा तो तभी देखेंगे। ये जो चीजें हैं ये भी आपकी इन्वेंट्री का हिस्सा बनती हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंज्यूमेबल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मशीनें चल रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, और रोज कोई ना कोई पार्ट बदल रहा है, कभी कहीं से कुछ बदल रहा है, कभी कहीं से कुछ बदल रहा है। आप सोचते हैं इतना बड़ा मशीनरी का सेटअप खड़ा हुआ हो तो उसमें हजार हर चीजें होंगी, हजार हा उसमें पुर्जे होंगे, और वो सारे के सारे किसी ना किसी टाइम पे अपनी लाइफ पूरी कर रहे होंगे। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड सॉरी ये भी इन्वेंटरी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, बशर्ते कि इनकी लाइफ शॉर्टर हो। अगर इनकी लाइफ 1 साल के अंदर अंदर हो तो फिर इसको इन्वेंटरी ही कहा जाएगा। ठीक है, जरा एक दफा देखें तो आ रहा है, एक बंदा और भेजा मैंने। एनुअली लिखा हुआ है स्टोर स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स 934 मिलियन के इस कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तकरीबन 1 अरब रुपए के स्टोर एंड स्पेयर अवेलेबल हैं। इन एडिशन इसके पास स्टॉक इन ट्रेड भी पड़ा हुआ है, तो
कोई 20 अरब रुपए का। ये जो 20 और 21 अरब है, ये इस कंपनी की इन्वेंट्री है, यानी ये भी इन्वेंट्री में फॉल कर रहा है, ये भी इन्वेंट्री में फॉल कर रहा है। ठीक है, हम इन दोनों को देखते हैं कि ये नोट नंबर 17 और 18 में जाके इसकी डिटेल बताई गई है, तो नोट नंबर 17 और 18 पे चलते हैं और वहां देखते हैं इसमें क्या तफसील बताई गई है। क्या चल रहा है नोट 15? क्या आ गया? स्टोर 433 मिलियन के, स्पेयर पार्ट्स 463 मिलियन के, लूज टूल्स, लूज मतलब प्लस, लूज टूल्स 38 मिलियन के, नॉट सिर्फ प्लस, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, 38 मिलियन के। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, वेस्ट, ये भी इन्वेंट्री होता है। जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में होते हैं तो उसमें से कोई ना कोई वेस्ट जनरेट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अगर आप फर्नीचर का कारोबार करते हैं तो उसमें भी लकड़ी का वेस्ट पैदा हो रहा होता है, वो बिकता है, जाहिर है वो लकड़ी जलाने के काम, और कुछ नहीं तो जल तो जाएगी ना, तो तोल के जलाने के भाव ही बिक जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो भी कंपनी जिस भी प्रोसेस में जिस भी काम में इन्वॉल्व होती है उसका वेस्ट बिकता है। वो पंखा बंद ना कर दें, कहाँ कर देंगे, बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो वेस्ट है ये वो वाला वेस्ट नहीं है कि जैसे जिसको आप कचरा कह लें, आई मीन सफाई की है तो ये वो वाला वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट है जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है। अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो कपड़े का वेस्ट पैदा होता है, वो भी बिकता है। किसी भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में, किसी भी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में हर तरह का वेस्ट बिकता है, मिट्टी भी बिकती है, हर तरह का वेस्ट बिकता है। ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वेस्ट जरूर मिलेगा। वो कॉटन वेस्ट भी हो सकता है और वो आपका फॉर एग्जाम्पल मेटालिक वेस्ट भी हो सकता है। अगर आप मिसाल के तौर पे केबल्स बनाते हैं, जैसे ये फास्ट केबल्स है या घरों में तारें, ये जो बिजली की तारें होती हैं, अगर आप ये केबल्स बनाते हैं तो इसमें भी वेस्ट पैदा होगा। इसके ऊपर इंसुलेशन हुई हुई है, वो जो प्लास्टिक से ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जो इंसुलेशन हुई है इसका भी वेस्ट पैदा होता है, इसके भी कुछ टुकड़े निकलते हैं, उस सारे को भी इकट्ठा करेंगे तो वो प्लास्टिक के भाव बिक जाएगा। जैसे आपके घर से भी जो आके ले जाता है ना, 3 डब्बा बेच लो, ये सारा बिकता है, हर हर कचरे की हर चीज बिकती है। तो फैक्ट्री अपना कचरा ऐसे ही बेच देती है क्योंकि उसको पता है, आप देखें 175 मिलियन का वेस्ट है, जाहिर है इसको क्यों नहीं बेचेंगे। ठीक है, इस कंपनी का ऑपरेशन होगा को 25-30 अरब रुपए का, उस 25-30 अरब रुपए की प्रोडक्शन प्रोसेस में से अगर 175 मिलियन का वेस्ट निकल रहा है तो मुझे दुखता है। ठीक है, आने दें पैसे, आ ही रहे ना 17-18 करोड़ रुपए, तो आएंगे पैसे। कुछ 10, ये तो और थोड़ी देर में फिर को बच्चा आ जाएगा और फिर को बच्चा आ जाएगा, ले ले सो ये भी इन्वेंट्री है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अभी इस इन्वेंट्री की कॉस्ट हमने निकालने की बात की थी, हमने कल कहा कि हम कुछ जो भी उसको खरीदने पे लाने पे पैसे लगेंगे उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रही है कि स्टोर स्पेयर्स, यूजेबल स्टोर्स आर वैल्यूड प्रिंसिपली एट वेटेड एवरेज कॉस्ट, व्हाइल आइटम्स कंसिडर्ड ऑब्सोलीट आर कैरिड एट निल वैल्यू, आइटम्स इन ट्रांजिट आर वैल्यूड एट कॉस्ट कंप्राइजिंग इनवॉइस वैल्यू प्लस चार्जेस पेड देयर ऑन। उसने बता दिया है कि भाई मैंने स्टोर स्पेयर्स को कैसे वैल्यू किया है,
उसमें मैंने कॉस्ट कैसे निकाली है। इसी तरह स्टॉक इन ट्रेड में भी बता रहा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला, कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स कंप्राइज कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड अप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फार्मूला, मटेरियल इन ट्रांजिट आर सेटेड एट कॉस्ट कंप्राइजिंग इनवाइस वैल्यू प्लस चार्जेस, वेस्ट स्टॉक इज वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पूरी तफसील बता दी है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकाली है। जब मैंने कहा है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास वेस्ट है 175 मिलियन का, तो मैंने कैसे कहा 175 का, इसका क्या तरीका कार था कैलकुलेट करने का। इसी तरह स्टोर स्पेयर का, इसी तरह रॉ मटेरियल का, इन सब की वैल्यू कैसे निकाली है, ये सब उसने कंपनी ने बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है? क्योंकि IS-2 ये रिक्वायर करता है। IS-2 ये कहता है कि जो कंपनी जो भी इन्वेंट्री है वो अपनी उस इन्वेंट्री के बारे में बताए कि उसने उसकी वैल्यू कैसे निकाली है। ठीक है, यही हमारा अगला मौजू है कि हमने देखना है कि इन्वेंट्री अपनी जो वैल्यू है वो कैसे निकालती है। परचेज प्राइस, ये बात हम कल कर चुके हैं, प्लस ऑल डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस, है ना, ये बात हम कल कर चुके हैं। कॉस्ट तो ऐसे ही निकलती है। अब अगली बात इसमें क्या होने लगी है कि इन्वेंट्री की आइटम्स दो तरह की होती हैं। डिस्टिंक्ट इंटरचेंजेबल, इस तरह के कितने मार्कर होंगे दुकानदार के पास? नहीं यार, काउंटलेस तो नहीं हो सकते काफी सारे, ऑफ कोर्स इस तरह के काफी सारे मार्कर होंगे। हो सकता है स्टेशनरी वाली दुकान पे इस तरह के उसके पास कोई 500 मार्कर पड़े हुए हों, है ना, मुमकिन है। ये जो मार्कर हैं ये ऐसी चीज है जो एक जैसी है, ये भी वही चीज 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 है, और ये भी वही चीज है। क्योंकि उसके पास तो 100 200 पड़े हुए, 500 पड़े हुए, वो पांच ये एक ही चीज है, इंटरचेंजेबल, एक जैसे, जो इंटरचेंज हो सकता है ना, इसकी जगह ये कर लो तो कोई फर्क है, एक ही चीज है। जैसे ये चेयर है, ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, ये इस तरह की, उसके पास 500 पड़ी हुई है, इंटरचेंजेबल, एक जैसी है। एक कंपनी पेंट बेचती है बगैर टोकन वाला, तो एक पेंट का डब्बा है, दूसरा पेंट का डब्बा है, तीसरा पेंट का डब्बा है, चौथा, सारे एक जैसे ही है। मतलब ऑफ कोर्स शेड डिफरेंट हो सकते हैं, तो अगर एक शेड के अंदर बात करें तो सारे एक जैसे, इंटरचेंजेबल। लैपटॉप की बात कर लें, पंखे की बात कर लें, प्रोजेक्टर की बात कर लें, एसी की बात कर लें, ट्यूबलाइट की बात कर लें, इस तरह की कितनी चीजें इंटरचेंजेबल,
तो दुनिया में एक ऐसी इन्वेंट्री की टाइप होती है जो इंटरचेंजेबल होती है, यानी वो एक जैसी ही होती है। एक आदमी एक खास प्रोडक्ट में कारोबार करता है और उस जैसी सैकड़ों हजारों कई होती है उसके पास। दूसरी होती है डिस्टिंक्ट आइटम। मिसाल के तौर पे ये वाला बोर्ड जिस साइज में है ये मैंने अपनी मर्जी से कटवाया, भाई इसको ऐसा बनाना है, यहां से काटना है, इतने फुट रखना है, इतना हाइट रखनी है, इसको ऐसा करके बना दो, है ना। आप किसी स्टिचर के पास जाते हैं, उसको अपना नाप देते हैं, भाई ऐसी शर्ट बनानी है, यहाँ से बाजू इतना, तीरा इतना, बस समझ रहे। वो कस्टमाइज्ड आइटम होती है, वो सिर्फ आपके लिए बन रही है। इस जैसी उसने कोई 100 नहीं बना के रखी हुई। एक स्टैंडर्ड शर्ट है ना, आप किसी ब्रांड पे गए वहां पे एक जैसी कई शर्ट लगी हुई है, इंटरचेंजेबल। एक है कि उसने एक एक पीस बना के रखा हुआ है ना, डिजाइनर बुटीक है उसके पास। उसने कहना भाई ये जो आपने पहनना है ये और किसी ने नहीं पहनना। ये नहीं होगा कि कोई और कहेगा तू भी यही पाया। खैर हमारे अंदर तो ऐसा मसला नहीं है। कहते हैं वाह अपने पाई पाई कटा डाल। सो ये जो चीज है ये डिस्टिंक्ट वो चीज है जो कि डिफरेंट है, यानी ये एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है। एक कस्टम फर्नीचर बनाने वाला, आप जाके उसको बताते हैं मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, ऐसा उसका ऊपर डिजाइन बना हुआ हो, है ना। एक है कि उसने एक जैसी चीज बना के, जैसे इंटरवुड है, उसने स्टैंडर्डाइज चीजें बनाई हुई हैं, भाई ये ऑफिस का डेस्क ऐसा, कुर्सी ऐसी है, ये तैयार पड़ी है, उसने एक जैसी कई बना दी है। आप जब आगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ ऑफिस में जाएंगे आप देखेंगे कि आपको कई जगह पे एक जैसा फर्नीचर नजर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक ही कंपनी से खरीदा है। वैसे ही फर्नीचर यहाँ पड़ा हुआ है, वो वैसे किसी दूसरे में पड़ा हुआ है, वैसे ही किसी तीसरे में भी पड़ा हुआ है, क्योंकि एक जैसा फर्नीचर कंपनी बना रही है। लेकिन आप बाज़ुकात फर्नीचर वाले से बनवाते हैं, आप कहते हैं भाई आ जा, ऐसी टेबल, ऐसा साइज, ऐसा रंग, ऐसा मटेरियल, ये सारा कुछ आप करवा रहे हैं, ये डिस्टिंक्ट आइटम है। तो एक फर्नीचर वाला जो कि ऑर्डर पे फर्नीचर तैयार करता है, उसके पास सारी चीजें वक्री होंगी। किसी का 40,000 का बेड तैयार हो रहा होगा और किसी का 2,50,000 का तैयार हो रहा होगा, दोनों का मटेरियल डिफरेंट होगा, दोनों का काम डिफरेंट होगा, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह ज्वेलर के पास चले जाए, आप वहां ये नहीं कह सकते कि उसके पास इंटरचेंजेबल आइटम्स पड़ी हुई है, उसने आपके आगे 250 किस्म की अंगूठियां रख देनी है सारी बकरी, है ना। ये नहीं होगा कि एक जैसी उसके पास 100 अंगूठियां पड़ी हुई, और अलग अलग हर डिजाइन अलग पड़ा होगा। कोई हो सकता है उसके पास एक जैसी भी हो, तो अगर उसके पास एक जैसी है तो वो इंटरचेंजेबल है, और अगर वो डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट है। तो इस तरह के इन्वेंट्री को हम कैटेगराइज कर रहे हैं बिटवीन द टू टाइप्स, वन जो इंटरचेंजेबल है, अदर जो कि इंटरचेंजेबल नहीं है, अलग अलग है। इन दोनों की कॉस्टिंग, इन दोनों की कॉस्ट के ऊपर अभी हमने लिखी है, निकालने का तरीका अलग है। डिस्टिंक्ट में स्पेसिफिक कॉस्टिंग की जाती है। आप फर्ज कर लीजिए कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है और आपके पास इस वक्त दो ऑर्डर अंडर प्रोसेस हैं। एक कस्टमर आया है, उसने कहा है जी उसको जहेज का सामान बनाना है, और उसके अंदर उसने बेड सेट भी है, उसके अंदर उसने कोई बर्तनों वाली अलमारी भी है, टोटल पैकेज उसका बना है लेट से 2 लाख रुपए का, जिसमें ये सारा कुछ तैयार होना है। और एक दूसरा कस्टमर आया है जो कहता है कि उसको अपने एक शानदार किस्म का बड़ा ऊंचा एक कस्टम एक डिजाइनर बेड टाइप चीज चाहिए, जो कि जिस लकड़ी और जिस तरह का वो चाह रहा है, जो कि 4.5 लाख रुपए में एक अकेला बेड तैयार होगा, राइट। अब वो ये दो चीजें बना रहा है, आप हैं ये कारोबार कर रहे हैं, और आपकी इस वक्त शोरूम में ये दो चीजें बन रही हैं, इन प्रोसेस हैं, वर्क इन प्रोसेस है, और साल खत्म हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ बताइए आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कैसे कॉस्ट निकालेंगे? आप देखेंगे इस पे लकड़ी कितनी की लग गई है, आप देखेंगे इस पे कारीगर के पैसे कितने लग गए हैं, है ना। ये सारे पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बताइए कि ये जो दो टाइप्स हैं, इन दोनों पे कितने कितने पैसे लगे हैं, कैसे निकालेंगे?
कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे वो आखिर में, क्या करेंगे? लकड़ी का डाटा निकालेंगे कि भाई लकड़ी कितनी आई। उसने बताया जनाब इन दोनों के लिए कुल लेट से 3 लाख रुपए की लकड़ी आई है, 3 लाख रुपए की टोटल आई है इन दोनों के लिए, तो क्या करेंगे? आधी आधी कर दें, 60-40 कर दें। आवाज कहाँ से आ रही है जी? 60-40 कर दें। किस बेसिस पे? मसलन एक पे लग रही है लेट से, सम जस्ट एग्जांपल करो, एक पे लग रही है 10 फुट, एक पे लग रही है 15 फुट, 25 फुट हो गया टोटल, तो 15/25 और 10/25 की रेशियो सेलुकेट कर दें। लेकिन वो तो दो चीजें ही अलग अलग हैं, वहां कोई और नस्ल की लकड़ी लग रही है, यहाँ किसी और नस्ल की लकड़ी लग रही है। 4 लाख रुपए का एक बेड तैयार हो रहा है, ये 2.5 लाख रुपए में पूरा सेट तैयार हो रहा है। हो सकता है मैं लकड़ी की जगह लग भी सीटें रही हूँ। सीटें क्या होती हैं आप जान लेंगे, बनवाएंगे तो जी बताइए क्या करेंगे फिर? स्पेसिफिक कॉस्ट निकालेंगे ना, आप कहेंगे भाई ठहर जाओ, कौन सी वाली लकड़ी इस चीज के लिए आई है वो लेदा बताओ, और कौन सी वाली इसके लिए आई वो लेदा बताओ, किस कारीगर ने इस पे काम किया उसके पैसे लेदा बताओ, और जिस कारीगर ने इस पे काम किया उसके पैसे लेदा बताओ। इस पे जो पैसे लग रहे हैं वो उसका अलग हिसाब दो, और इस पे जो पैसे लग रहे हैं अलग हिसाब दो। अलग अलग हिसाब करेंगे और जमा कर लेंगे, और कहेंगे ये इतने की है ये इतने की। आप कहेंगे इस पे 35,000 लग गया, इस पे 1 लाख रुपए लग गया, ये 35,000 का, ये 1 लाख रुपए का, स्पेसिफिक कॉस्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल बदलते हैं। आपके पास ये ट्यूबलाइटें बनती हैं, और इस जैसी 500 लाइटें तैयार हो गई हैं, ऐसे पूछता हूँ बताइए ये कितने की हैं? आप कहेंगे जी इस पर टोटल मटेरियल लग गया है सपोज 1 लाख रुपए का। अब आप क्या कहेंगे? नहीं मुझे लग लग बताया इस ट्यूब पे कितना लगा, इस ट्यूब पे ये सारी एक ही चीज है ये। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार सारे पैसे जमा करो, 500 पे डिवाइड कर दो, एक ट्यूब के पैसे निकला है। सो फॉर द इंटरचेंजेबल आइटम, फॉर द इंटरचेंजेबल आइटम स्पेसिफिक कॉस्टिंग इज नॉट डूएबल, प्रैक्टिकली नॉट डूएबल। आप किसी दुकान में घुस जाए ना, वहां पे आपको कोई 300 तरह की चॉकलेट नजर आ जाती है, वो बहुत बल्क में तैयार हो रही है, वो ऐसे थोड़ी हिसाब लगा रहा होगा कि यार पैकेट इन्हें तो बने, तो यार पैकेट इन्हें तो बने, कोई हिसाब टोटल ही लगा रहा है। वो कह रहा है यार मैंने 10,000 चॉकलेट के पैकेट बनाए हैं, इतने में बने हैं, चलो जी डिवाइड बाय 10,000 कितने का बना होगा, राइट? तो इंटरचेंजेबल आइटम में स्पेसिफिक कॉस्टिंग नहीं होती। तो फिर इंटरचेंजेबल आइटम में क्या होता है? उसके लिए IS-2 ने दो तरीके अलाउ कर दिए हैं। एक को कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरे को कहा जाता है वेटेड एवरेज। एफ को भी कह देते हैं जी, को भी कह देते हैं एवरेज कॉस्टिंग, लेकिन चूंकि वो सादा एवरेज नहीं होती, वो वेटेड एवरेज होती है, इसलिए मैं उसको वेटेड एवरेज लिखना पसंद करता हूँ। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज तो वो बात है जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी, सारे पैसे इकट्ठे करो, टोटल क्वांटिटी पर डिवाइड करो, एक के पैसे निकलेंगे, वेटेड एवरेज। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि भाई चीजें तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप बनती चली जा रही हैं, आती चली जा रही हैं, तो जो चीज पहले बन गई है समझो वह पहले बिक गई है, तो जो बचा है माल वो कौन सा बचा है? जो आखिर में तैयार हुआ होगा। मसलन आप सोचें कि जिस तरह भी मैंने आपको पेंट का कारोबार कराया था, तो आप सोचें आपने फिर पेंट का कारोबार कर लिया है, तो आपके पास 100 डब्बे पेंट के आ गए हैं एक जैसे, लेट से 1,000 रुपये फी डब्बे के हिसाब से 1 लाख रुपए के आ गए हैं, 100 डब्बे आए हैं 1 लाख रुपए के। फिर आपने फिर 100 डब्बे मंगवाए, चंद दिन ठहर के बिक रहे थे, आपने कहा खत्म हो रहा है माल और मंगवा लिए, फिर 100 डब्बे आ गए, अब के जरा रेट को बदला हुआ मिला है, अब वो 1 लाख रुपए की जगह लेट से 1,02,000 रुपए के मिले, फिर माल बिकता रहा, फिर आपके पास कोई 100 डब्बे आ गए, अब के आपको वो 1,05,000 के मिले, फिर 100 डब्बे आ गए, और अब के आपको वो 1,08,000 के मिले। ये कौन से दौर की बात हो रही है? ये पीटीआई के दौर की बात हो रही है, कीमतें बढ़ती जा रही है ना। ये 1,05,000 के अब आपको ये 8,000 के मिले, साल खत्म हुआ तो आपके पास 40 डब्बे इन हैंड है दुकान में पड़े हुए हैं,
ये कौन से वाले हैं? वो जो सबसे पहले खरीदे थे 1 लाख रुपए के, या उसके बाद खरीदे थे 1 लाख 2 हजार के, या उसके बाद खरीदे थे 1.5 के, या उसके बाद खरीदे थे 1.8 के? ये वो हैं जो आखिर में बच गए हैं, 1.8 वाले। फर्स्ट इन जो पहले आया वो पहले बिक गया, बचा कौन सा है? आखिर वाला। तो मैं कहूंगा अच्छा, इसका मतलब है ये वो वाला माल है जो आखिर में आया था। आखिर में कौन सा आया था? 1,08,000 वाला। 1,08,000 रुपए के कितने डब्बे ऐसे? 100। तो एक डब्बा कितने का था? 108 रुपए का, 1,080 रुपए का, 1,080 रुपए का। तो फिर 40 डब्बे कितने के होंगे? जरब कर दें, 44,200 रुपए के। तो ये आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू निकल आई, फाइफ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये वाला काम सिर्फ वही हो सकता है ना जहां पे इंटरचेंजेबल आइटम्स हैं। जब चीजें ही डिस्टिंक्ट है, वहां फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हो सकता है? एक 4 लाख वाली आइटम और एक 1.5 लाख वाली आइटम को आप एवरेज कैसे कर सकते हैं? वो कोई और चीज है, कोई और चीज है, ये एवरेज हो ही नहीं सकती। या आपने पहली चीज खरीदी वो कुछ 4 लाख रुपए वाली थी, दूसरी चीज खरीदी वो 1 लाख रुपए वाली थी, वो चीजें ही अलग अलग है, ठीक है। फिर एक चीज खरीदी वो 9 लाख रुपए की थी। अब आपके पास साल के एंड पे एक आइटम पड़ी हुई है, एक आइटम अनसोल्ड पड़ी हुई है इन्वेंट्री, बताइए कितने की है? 4 लाख वाली है, 1 लाख वाली है, 9 लाख वाली? कौन सी कितने की है? एक आइटम फाइफो लगाएंगे, वेटेड एवरेज स्पेसिफिक लगाएंगे, चीजें ही अलग अलग है। मैं कहूंगा भाई इस तरह मत देखो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बताओ कौन सी वाली है? 4 वाली है कि 1 वाली है कि 9 वाली है? जो भी है ये वो वाली है। फर्ज करो ये 1 लाख रुपए वाली बची हुई है तो ये 1 लाख रुपए की है, ये थोड़ी है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं स्पेसिफिकली देखूंगा ये कौन सी वाली आइटम है। इसको आसानी के लिए आप समझे ना कि आपने एक मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, अगले दिन आपने एक मोबाइल खरीदा 2.5 लाख रुपए का, उससे अगले दिन आपने एक मोबाइल खरीदा 20,000 रुपए का। फर्ज करें आपका 20,000 वाला मोबाइल बिक गया और 1,000 रुपए वाला भी बिक गया, अभी बीच वाला है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट, मैं कहता हूँ एक मोबाइल बच गया, बताएंगे कौन से वाला है? आप कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 20,000 आखिर में तो वही आया था। आप कहेंगे वेटेड एवरेज, तो आप कहेंगे 2.5 लाख जमा 1 लाख, 3.5 लाख जमा 20,000, 3,70,000 डिवाइडेड बाय 3, क्या जवाब आया? 1 लाख कोई तकरीबन 23,333 रुपए। ये 1,23,000 वाला मोबाइल तो नहीं पड़ा हुआ आपके पास, आपके पास तो 2.5 लाख वाला पड़ा हुआ। आप ना वेटेड एवरेज लगा सकते हैं ना फाइफो लगा सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? स्पेसिफिक। अब कहेंगे कौन सा पड़ा हुआ है? भाई ये 2.5 लाख वाला पड़ा हुआ, तो ये 2.5 लाख वाला ही है। तो इसीलिए दोनों तरह की इन्वेंट्रीज के लिए दो अलग अलग तरीके मौजूद हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर ऐसी कॉस्टिंग, यानी ये वाली कॉस्टिंग लगाएंगे, और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर आप इन दोनों में से कोई एक तरीका चूज करेंगे। ये आपने चूज करना है एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट कि इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको सूट करता है। स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा कि किसने कौन सा तरीका लगाना है, उसने कहा जो मर्जी लगा लो, आपने तय करना है जो मर्जी लगा लें। क्योंकि लॉन्ग रन में आप ये तरीका लगाएं या दूसरा तरीका लगाएं, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। लॉन्ग रन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगले साल का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, या एक साल का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगले साल का थोड़ा कम हो जाएगा। जितने से एक साल का प्रॉफिट लेट से 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो अगले साल का प्रॉफिट 5 लाख से कम हो जाएगा। इस मेथड के बदलने से इतना ही फर्क आता है बस, और कोई फर्क नहीं आता, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आता। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोई इतराज नहीं है, आप इन दोनों में से जो मर्जी तरीका लगा लें। ओके, अब ये फाइफो और वेटेड एवरेज का ऑपरेशन कैसे होगा ये करके देखते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का बिजनेस है, और 100 बल्ब आपने खरीदे हैं 35 रुपए ईच, फिर 150 बल्ब आपने खरीदे हैं 37 रुपए ईच, फिर 70 बल्ब आपने सेल कर दिए हैं 45 रुपए ईच, फिर 180 बल्ब आपने खरीदे हैं
मैंने इसमें ये नहीं मेंशन किया कि ये खरीदे हैं, ये परचेज है, ये परचेज है, ये भी परचेज है, ये इसमें तो सेल मैंने लिख दिया है और ये भी परचेज है। ओके सो 180 बल्ब आपने खरीदे हैं, लेट से 30 रुपए ईच, चलें ओके। और फिर दो सौ बल्ब आपने सेल कर दिए 50 रुपए। ईयर एंड पे इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें बतानी है कि कितनी है, यूजिंग फाइफो मेथड, यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। ओके पहले फाइफो लगाते हैं। फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले तो मुझे ये तय करना है कि मेरे पास पैसे यूनिट बचे कितने हैं, मेरे पास यूनिट बचे कितने हैं। यूनिट मेरे पास 100 मैंने पहले लिए, फिर 150 और लिए 250 हो गए, फिर 180 और लिए तो कितने हो गए 430। 430 यूनिट मैंने लिए हैं, परचेज किए हैं, और 70 एक बिके हैं और 200 एक बिके हैं, तो 370 मैंने बेच दिए हैं। 270, 270, हाँ जी 270 बेचती हैं, तो मेरे पास 160 स्टॉक में बच गए हैं। अब मुझे इस 160 की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो क्या है कि मैं वेटेड एवरेज ले लूं। वेटेड एवरेज कैसे लूंगा, सारे पैसे इकट्ठे करके यूनिट्स पे डिवाइड कर दूंगा तो एक एवरेज यूनिट निकल, एक यूनिट की कीमत निकल आएगी। निकाल देते हैं, 100 यूनिट खरीदे हैं 35 के हिसाब से, तो ये 3500 के हो गए। दोबारा देख लेते हैं, फिर 150 यूनिट खरीदे हैं 3500 के हिसाब से, तो ये कितने हो गए 430 ही बन रहे, 180 जी कितने बने 5550। ओके उसके बाद हमने कितने यूनिट खरीदे थे, नहीं खरीदे भी तो नहीं, ये 180 यूनिट खरीदे थे और वो कितने के हिसाब से 38 के हिसाब से, ये कितने के बने 6840। इन पैसों को जमा कर लें और इधर से यूनिट को जमा कर लें, यूनिट तो है 430, पैसे कितने हैं 6, 5, 11, 3, 14, 15,890। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल आई 15,890 तकसीम 430। टोटल पैसे जितने का माल आया 15,890 और जितने यूनिट आए 430, एक यूनिट की एवरेज कीमत क्या आई 36 पॉइंट, यानी ऑन एवरेज आपको एक यूनिट 36 रुपए 95 पैसे का पड़ा। आपके पास यूनिट बच कितने गए हैं, स्टॉक में यूनिट कितने पड़े हुए हैं 160, एक यूनिट की एवरेज क्या है 36.95, मल्टीप्लाई कर दें, ये है कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन हैंड, कि मेरे पास जो माल बचा हुआ है वो इतने का है 5912 का। अगर आप गौर करें तो ये वही फार्मूला है जिसको आप समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू से याद करते हैं। ये आपका वेट है डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू वेटेड एवरेज। यहां तक सब ठीक है, आगे चलूं, चलें आगे।
यूनिट सोल्ड कितने हैं? 270। जरा तवज्जो दीजिएगा, फाइफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 270 बचा होगा वो कौन सा होगा? आखिर वाला। इसका मतलब है 270 में से 180 तो ये वाला होगा, है ना? 180 तो ये वाला होगा आखिर वाला, और जो बाकी के 90 हैं वो कौन से होंगे? वो इसमें से 90 बचा होगा, तो टोटल 270 हो गया। तो फाइफो की वैल्यू निकाल लेते हैं, 270 सेल है, तो बचे कितने हैं? 160 बचे। ओके 160 बचे हैं, तो फिर तो लास्ट वाला 38 था, मैंने 30 लिखते लिखते 8 कर दिया था। ओके सो 160 बचे हैं, वो सारे यहां से बचे होंगे। तो फाइफो के तहत ये वेटेड एवरेज है, तो फाइफो के तहत कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या होगी? 160 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 38 रुपीज। क्या जवाब आया? 6080। तो फाइफो के तहत हमने आखिरी परचेज अज्यूम कर ली है, जो आखिर में फर्स्ट वाले तो निकल गए होंगे, जो बचे होंगे वो आखिर वाले बचे होंगे, और वेटेड एवरेज में हमने एवरेज आउट कर दिया। ये बुनियादी फर्क है दोनों में। अब आप देखें दोनों में रिजल्ट में फर्क कितना आया है। यहाँ पे स्टॉक 5912 का निकला है, यहाँ 6080 का निकला है, 168 रुपए का फर्क आया है। कितना ही है? 168 रुपए का फर्क आया है। यानी इसका मतलब है कि इस कंपनी का जब नफा नुकसान निकाला जाएगा तो उसमें 168 रुपए का फर्क आ जाएगा। अगर आप वेटेड एवरेज से निकालेंगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा, और अगर आप फाइफो से निकालेंगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा। और दोनों प्रॉफिट्स में फर्क कितना होगा? 168 रुपए का, क्योंकि एक में वैल्यू गई होगी 5912 और दूसरे में वैल्यू गई होगी 6080, तो 168 रुपए से प्रॉफिट अफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, कोई सवाल? इन दोनों में बेस्ट कोई भी नहीं है, दोनों बेस्ट हैं। यानी IS2 ने ये आप पे छोड़ दिया ना, आप देखें आपको क्या ठीक लगता है। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकलिटी को सामने रखते हैं कि क्या लग सकता है। मिसाल के तौर पे वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस मैं बताता हूँ, वर्क इन प्रोसेस कल आपने कोई अच्छा सा कारोबार शुरू किया था। हाँ जी दर्जी वाला मिसाल के तौर पे आप किसी प्रोडक्शन प्रोसेस को एज्यूम करें। मैं असल में आपको किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके जाता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आपने देखा ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ कि उसमें क्या हो रहा होगा। लेकिन आप इसको यूँ एज्यूम करें कि आप कॉटन लेके आए हैं, यानी रुई लेके आए हैं, और आपने शर्ट तैयार करके बेचनी है। तो सोचें दरमियान में क्या कुछ हो रहा होगा। पहले उस रुई से धागा बनेगा, फिर उस धागे से कपड़ा बनेगा, फिर वो कपड़ा डाई या प्रिंट होगा, इधर डाई होगा या प्रिंट होगा। ठीक है, ये क्या हुआ हुआ है? ये प्रिंट है कि डाई है? ये प्रिंट भी नहीं है, ये डाई भी नहीं है ये डिजाइन है। इसमें दो धागे चले हुए हैं और उनका डिजाइन है, जिससे यूं लग रहा है कि ये धागे अलग अलग चले हुए हैं। धागा डाई हुआ होगा, यानी जिस तरह इसमें व्हाइट धागा तो व्हाइट ही है, और दूसरा जो रेड वाला धागा है वो रेड में डाई हुआ हुआ। प्रिंट होता है जिसमें डिजाइन, जिस तरह लॉन के कपड़े जैसे ये है, ये प्रिंट है। ठीक है, ये प्रिंट है, जैसे ये शर्ट है ये डाई है, ये प्रिंट नहीं है, ये ना ये ऐसे एक ही कलर जो जिसमें नजर आ रहा होता है ये डाई हुआ हुआ। इसका मतलब है कि रुई से कॉटन से धागा बना होगा, धागे से कपड़ा बना होगा, कपड़ा फिर डाई या प्रिंट हुआ होगा, फिर वो कट हुआ होगा, फिर वो स्टिच हुआ होगा, फिर वो पैक हुआ होगा, और फिर वो बाहर निकला होगा तैयार होकर। इस पूरे प्रोसेस में ये कहना तो आसान है कि कॉटन से धागा बना होगा, लेकिन इस कॉटन से धागा बनाने के अंदर भी 5 मुख्तलिफ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। अब एक चीज है, जो कॉटन से धागा बन रहा है
वो पहले प्रोसेस में रुई सख्त होके अंदर आई, अब उसमें से कंटेमिनेशन बाहर निकल रही है, मिथेन निकल रही है। जाहिर है उसमें कोई रुई प्लग हुई है ना खेतों में से, तो उसके वो पत्ते भी आ गए होंगे, कोई टहनियों के टुकड़े भी आ गए होंगे, कोई गर्द भी आ गई होगी, तो अभी वो डीकंटेमिनेट हो रही है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजर के वो आगे आएगी तो उसके रेशे इकट्ठे होना शुरू कर दिए जाएंगे, जिसमें वो रेशे, जाहिर है रुई तो आपको मालूम है कैसी होती है, आपने उसका धागा बनाना है तो पहले उसके ऐसे रेशे रेशे करने पड़ेंगे, फिर वो रेशों को किसी तरह इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उनको ट्विस्ट करना पड़ेगा, है ना। धागा तो ऐसे ही बन रहा होगा, और इसमें काफी, अब ये सारा कुछ हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस अंदर चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इसकी कॉस्ट कितनी है? अभी अंदर बन रहा है ना, अभी देख के अंदर माल डला हुआ है और वो अभी पक रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ, कितने कितने का है? यू कांट आइडेंटिफाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यू कांट आइडेंटिफाई, वो सारा कुछ मिक्स से अंदर तैयार हो रहा है। ये ऐसी है ना कि जैसे आपने एक बहुत बड़े सारे कढ़ाई में बहुत सारा कुछ, वो जाता है ना दुनिया की सबसे बड़ी देश जिसमें 100 टन हलीम तैयार हो रहा था, पता नहीं इस तरह से देखा चलने पहले, यू कांट आइडेंटिफाई, अच्छा यू कांट आइडेंटिफाई, तो क्या करेंगे आप? वेटेड एवरेज, आप कहेंगे यार सारे पैसे इकट्ठे कर लो, भी कितने लगे हैं इसके ऊपर, तो सारी क्वांटिटी पे डिवाइड कर दो तो पर यूनिट पर केजी रेट निकल आएगा, और क्या कर सकते हैं भी वर्क इन प्रोसेस में, और क्या कर सकते हैं? अगर तो आपका वर्क इन प्रोसेस भी सेगमेंटेड है, भाई ये एक वर्किंग प्रोसेस है ये अलग चल रहा है, ये दूसरा वर्किंग प्रोसेस ये अलग चल रहा है, तीसरा वर्किंग प्रोसेस ये अलग चल रहा है, तो शायद आप हर वर्किंग प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, बट स्टिल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे करेंगे? तो यही करेंगे ना कि यार जो कुछ भी चल रहा है सारा इकट्ठा करो तो डिवाइड करो तो पर यूनिट निकाल लो, वेटेड एवरेज। हाँ फिनिश्ड गुड्स में आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की लिबर्टी ले सकते हैं, चीज तैयार पड़ी हुई है, आप कहते हैं यार ये 100 कुर्सियां पड़ी थी तो 20 रह गई हैं, तो फर्स्ट वाली निकल गई होंगी, आखिर वाली बच गई होंगी। अच्छा, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ अजम्पशन है कि फर्स्ट वाली बिक गई होंगी, आखिर वाली बच गई होंगी, हो सकता है फिजिकली आखिर वाली पड़ी हुई ना हो बल्कि पहले वाली पड़ी हुई हो, ये मुमकिन है। अकाउंटिंग IAS 2 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि फिजिकली कौन सी चीज पड़ी हुई है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के, जो पहले आया होगा वो पहले निकल गया होगा, हो सकता है ना निकला हो, कोई बात नहीं हम फाइफा लगा देंगे, ठीक है। जिसकी बड़ी आम एग्जाम्पल मैं यूं देता हूं कि आप जिस तरह, जैसे यही कुर्सियां, इसी का बिजनेस है आपका, आपके पास 100 कुर्सियां हैं, आपने कहा साथ साथ लगा दो सारी पीछे, ढेर लगा देंगे ना आप ऊपर दीवार तक, छत तक चढ़ा देंगे। या चीनी का काम करते हैं, चीनी की बोरियां ही आपने लगवा दी छत तक, और बोरियां ही आपने और आगे लगवा दी, और बोरियां ही आपने, और अब आपका गोदाम आहिस्ता आहिस्ता भरता जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास ग्राहक आ गया, वो कहते हैं जनाब 150 बोरी दे दें, कौन सी देंगे? आप कहते हैं मेरा फाइफो मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो मतलब सबसे पीछे वाली निकलवा के दें, वो तो नहीं दे सकते आप आगे से उठवा देंगे बस उसे, आप कहेंगे यार भी ले, ये कौन सा पेरिसेबल आइटम है भैया, तो ये सब्जियां फालो तो आप कहेंगे नहीं ठहर जा, फिर आपने रखना भी ऐसे ही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सके, है ना। जैसे आप, आपके पास ब्रेड लेने जाते हैं तो फ्रेश ब्रेड आगे आगे नहीं रखी होती, पीछे रखी होती है, आप जाते हैं आगे से ब्रेड उठाते हैं तो उसकी एक्सपायरी 2 दिन होती है, जरा पीछे से हाथ डाल के उठाएं तो उसकी एक्सपायरी 5 दिन होती है, क्योंकि उसको पता ये खराब तो नहीं है, तो उसने उसको रखा इस तरह होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाए, वो पेरिशेबल है। लेकिन जो नॉन पेरिशेबल आइटम होती है वो ऐसे कोई भी नहीं रखता, वो जो स्टैक हो रही होती है, अब वो पहले वाली निकल जाए बाद वाली निकल जाए किसी को कोई परवाह नहीं है, वो बस एक तरतीब से निकल रही है, तो फिजिकली साल खत्म होगा तो जो चीनी की बोरियां पड़ी होंगी शायद वो कौन सी पड़ी होंगी, ओल्डेस्ट, लेकिन एक्चुअली मेथड कौन सा चल रहा होगा, फाइफो, तो डजंट मैटर। IAS 2 आपको ये नहीं कह रहा कि अगर तुमने फाइफो लगाया है तो फिजिकली भी चीजें फाइफो के तरीके से उठाओ, नहीं ये जरूरी नहीं है, फिजिकली जैसी मर्जी होती रहे आप फाइफो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी पे आप वेटेड एवरेज भी कर सकते थे, यही बोरियों पे आप वेटेड एवरेज भी कर सकते थे, सारी बोरियों के पैसे इकट्ठे किए डिवाइड किए पर बोरी, तो बोरियों की तादाद में से एक बोरी की कीमत निकले एवरेज आपने लगा दी, आपने कहा 40 बोरियां पड़ी हैं मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एक बोरी की कीमत, टोटल पैसे निकले। तो ये 2 तरीके हैं जो कि IAS 2 ने अलाउ किए हैं, आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, आप फाइफो भी लगा सकते हैं, ये बात समझ में आती है जी। IAS 2 में नहीं है, IAS 2 में नहीं है,
कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट IS2 में नहीं है। IS2 सिर्फ दो ही तरीके अलाउ करता है, इन चीजों के लिए चीज हम भूल जाते हैं अक्सर, जिन्होंने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है वो ये शायद ज्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे। तो उनसे पूछे कि इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालने के कितने तरीके हो गए, दो तीन, ये दो तरीके हैं इंटरचेंजेबल आइटम्स के लिए। स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक है, यानी डिस्टिंक्ट आइटम के लिए स्पेसिफिक है। तो रूटीन में चूंकि ये को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता होता, तो हमारे जिम में यही बैठा होता है फाइफो वेटेड एवरेज, सवाल भी सीखे की होते हैं तो फाइफो वेटेड एवरेज, फाइफो दो तरीके निकल आते हैं। तो इस तरह से जिम में रहे कि ये सारी टेक्निक्स जो है वो ऐसे काम कर रही हैं। तो ये आपने ये अब आपने पढ़ना है, पढ़ लिया होगा, बल्कि ये तो कॉस्ट ऑफ आइटम मैं आपको बता चुका, इन्वेंट्रीज क्या होती है मैं आपको बता चुका, ये भी मैंने आपको पढ़ाना है, ये फिर भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये भी अभी नहीं पढ़ाया, ये एग्जांपल आप कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन वन, इसी तरह इस तरह फिर ये थोड़ा सा आगे चंद सफे गुजार के आगे चले जाएंगे तो आपको फाइफो वेटेड एवरेज मिल जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट फार्मूला। तो ये कॉस्ट फार्मूला है, हम कॉस्ट फार्मूला पे आ जाते हैं। ये है पेज नंबर 3.2 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज, यहां से इसको, और ये उसकी एग्जांपल आ गई, और फिर ये उसकी अगली एग्जांपल आ गई, इसको भी आप देखेंगे, और फिर ये वेटेड एवरेज आ गया, और ये फिर उसकी एग्जांपल आ गई, इसको और फिर इसको भी आप देखेंगे। तो आपने यहाँ ये जो 3.2 है उसमें आपने पेज नंबर 485 तक आना है। ओके ठीक है।